अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अली साहब मेरे लिए कावा बना रहे हैं। कावे में डाला है अदरक, दार चीनी बस, और लौंग डाला है। लौंग जी वो डालेंगे, वो भी अच्छी होती है। तो ये देखिए यार, ये इन्होंने मेरे लिए कावा चढ़ाया है और अपने लिए ये पुलाव की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये इन्होंने छोटे छोटे टमाटर थे, कितने हैं ये टमाटर मैं बता नहीं सकता। अच्छा, ये छोटे टमाटर थे तकरीबन, आप 4-5 कर लें। ये हरी मिर्ची इन्होंने काटी है, और ये प्याज है, और ये अभी कटिंग कर रहे हैं, और ये लहसुन। लहसुन अभी कूटना है भाई। ओके, ये आप समझ लें ये कुकिंग चैनल भी है और कुकिंग ब्लॉग चैनल भी है। तो ये हमारा कावा तैयार होने वाला है, इसको 2-3 उबाल आ जाए तो फिर ये अली मुझे सर्व करेंगे, है ना। मैं तो बस वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए वीरन मीनू, ये है लहसुन और ये अदरक, इसको हम कूट रहे हैं। हम नहीं कूट रहे, तुम्हारा मियां कूट रहा है। हम तो वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाना भी एक काम है अली। सही बात है, वीडियो नहीं बनाओगे तो पता कैसे चलेगा। हैदर अली सोया नहीं है, छो जाओ ना, छो जाए ना आप। चले जी, हैदर अली भी सोने की। और ये मैं आलू काट रही हूँ, वही वैसे ही गंदे मंदे आलू, और इनको धोना पड़ेगा काट के। मैदान, हर चीज़ मैदान में अच्छी लगती है। बहुत है हाँ, क्योंकि हम 1.5 गिलास चाय। चीनी शायद डाल रहे हैं तो डाल लेना। नहीं थैंक यू। ये देखिए मैं ये कावा बना है मेरा, और अब मैं ये पीने लगी हूँ। अच्छा, ऑयल शॉयल गर्म हो जाए तो ये चीज़ें फिर डाल देना, मैं वीडियो ऑन करके ही जा रही हूँ। तुम यहीं रहो, कहाँ जा रही हो? बैठ के पीऊँगी ना। बैठ इधर ही रहो। अच्छा, ऑयल गर्म हो गया तो फिर प्याज पहले का कटा हुआ था, हम इसको ब्लाइट कर लेते हैं। मुझे मेरी बेगम बताएंगी कि मेरे हाथ का खाना पता नहीं कैसा बनता है। मुझे शौक तो बहुत है, मैट्रिक से बना रहा हूँ। नहीं, ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं माशाल्लाह से, और जो मेरी तबीयत ख़राब होती है तो भी हेल्प करा देते हैं, तो बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह सहूलत होती है। ये बिल्ला यहाँ पे आया है, इसको यहाँ किया तुमने? ये खुद ही आया है, खुद आ गया। ओए माशाल्लाह, करेंगे नहीं, चम्मच चलाने से फिर वो नरम हो जाते हैं, ब्राउन नहीं होते। नहीं, ये कहने की तो ये टेक्निक है। नहीं भाई, ये सही बात है। नहीं, और ये मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ कि आपने अगर प्याज ब्राउन करना है ना सही वाला, तो उसमें आपने एक बार चम्मच नहीं हिलाना थोड़ी देर तक, थोड़ी देर बाद हिलाएंगे ना तो वो देखना जल्दी हो जाएंगे। मैश दिखाएं, इसका अपना जायका होता है भाई, कूटने से ना, कूटने का। ठीक है, बोले अदरक के कावे में जायका आ गया है कि नहीं? आ रहा जी जानू। ये देखिए हैदर अली, क्या बात है, आ जाओ आ जाओ, आओ मामा के पास आ जाओ, मामा बाबा दोनों किचन में है, आ जाओ आओ। हाँ बबलू चोना, ओए बाबा का बीटा है, बाबा का चोना है। चलो हैदर भी कह रहे मैंने मामा की हेल्प करानी है ना, मैं सदके जाऊँ, मैं सदके जाऊँ। आओ, गले खराब है और चावल खा रहे हैं भाई, मैं नहीं खा रही, ये खा रहे हैं तभी बना रहे हैं। मेरे लिए ना अंडा सलाइस बना देना। जाहिर है तबीयत थोड़ी सी खराब हो जा रही है इनके नाम से जी। हैदर अली, ये भाई लहसुन अदरक डाल दिया, मैं इसको देख लूँगी। आज किचन की हमारी हालत थोड़ी खस्ता हुई हुई है, बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। यार ये मैं दार चीनी डाल रहा हूँ थोड़ी टेस्ट के लिए, ठीक है। मोटी इलायची भी डाले ना, ये मोटी इलायची एक डाल देते हैं। लौंग, लौंग बस जो है थोड़ी बहुत ये, हाँ ठीक है, वो है भी नहीं। एक मिनट मैं ना देखती हूँ, टमाटर डाल दिए। और अब जब वो ब्राउन हो गया था तो मैंने अब टमाटर डाल दिया, जो हमने डाला है वो ये बिरयानी मसाला इसके अंदर डाल दिया, ये जो ये रखा हुआ है इसको हम मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के लिए। ठीक है, थोड़ी देर इसको पकाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ठीक है भाई, गोश्त डाल रहे हैं हम।
ये हमने गोश्त डाल दिया, इसके साथ ही हम आलू डाल देंगे। आलू मैंने जान बोझ के छोटा ऐसे ही कर रहा था। ये देखें आलू डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दें, अब चिकन फ्राई करेंगे ना। अब चिकन फ्राई करेंगे, हल्की आंच कर देंगे क्योंकि मसाला हमारा पहले बन रहा था। नमक भी डाल देते हैं, इसको तो समरे में लिटाओ तो ज़्यादा बेहतर है। और मिर्चें डालनी है? लाल मिर्चें डालनी। अच्छा डालनी है? डालनी। इसको हम थोड़ा बस, अब इसको जो है ना थोड़ा पानी डाल के इसको ढककर हल्की आंच पर पकाएंगे। ये हम पानी डालेंगे चिकन को गलाने के लिए और आलू को गलाने के लिए। एक कप काफ़ी है फिलहाल। ये मैंने पुदीना डाल दिया है और ये मैंने जो साबित जो मिर्चें हैं खूबसूरती के लिए, ये भी जो है ये मैंने डाल दिया। ये मैंने चावल डाल दिए, ये देख लें आप, डेढ़ गिलास। तो मैं थोड़ा हिलाऊंगा ताकि ये थोड़ी थोड़ी जगह। चिकन गल गया, चिकन गल गया, आलू भी गल गए। अब इंशाल्लाह तो हम से बहुत अच्छे चावल बने हैं इंशाल्लाह। वाओ वाओ वाओ, तो तारीफ ही कर दो। वाओ वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें थोड़ा गीला गीला है और मेरा मतलब जो मैं चाह रहा था अल्लाह ने वैसे ही बना दिया। और नो डाउट मैंने मसाला वक्तन फवक्तन मैं देख रहा था, माशाल्लाह बहुत लजीज है। मेरी बेगम की तबीयत सही नहीं है, ये मिस करेगी इसको, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आलू ऐसा गला हुआ बेहतरीन, और ये खाएगी मैं कहता हूँ बेहतरीन हो जाएगा। अब जब मैं ठीक होंगी ना फिर खिलाना मुझे। अब पता नहीं है ना, इसकी गारंटी नहीं है ना बाद में भी ऐसे बनेंगे कि नहीं, लेकिन अभी वारा टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह इसके फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बने थे और इसकी शक्ल से ही लग रहा है कि बहुत अच्छे बने हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।